एक जीवन साथी वह होता है जिसके साथ आप अपना पूरा जीवन बिताने और परिवार शुरू करने के लिए तत्पर रहते हैं। जोड़ा स्ट्रेट, समलैंगिक आदि हो सकते हैं। यह कोई है जिसके साथ आप एक परिवार शुरू करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। ऐसी ही एक कपल की कहानी आपको हैरान कर देगी। यह मानव और प्रकृति के बीच का विवाह है। इसका क्या मतलब है? विक्टर ह्यूगो सोसा मेक्सिको के ओहाका के एक गांव सैन पेड्रो हुआमेलुला के महापौर है। 30 जून 2022 को महापौर ने 7 साल की वधु से शादी की। शादी बहुत ही उत्साह के साथ संपन्न हुई। 7 साल की दुल्हन जो वयस्क व्यक्ति से शादी कर रही थी सुंदर सफेद दुल्हन की पोशाक में थी। शादी के बाद कपल ने किस भी किया, हालांकि दुल्हन का मुंह बांध कर रखा था। आपको हैरानी होगी कि दुल्हन का मुंह क्यों बांधा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह कौन है? यह एक घड़ियाल है। चौंकाने वाला है ना? जब महापौर ने घड़ियाल को किस किया तो घड़ियाल का मुंह बंधा हुआ था। जोड़े के चारों ओर लोगों ने डांस किया, लेकिन वह 7 साल की घड़ियाल से शादी क्यों कर रहे थे? सैन पेड्रो हुआमेलुला के लोगों का मानना है कि यह सुनिश्चित करेगा कि तालाबों और नदियों में हमेशा बहुत सारी मछलियां रहेंगी। यह प्रकृति का आशीर्वाद पाने के लिए और महापौर का घड़ियाल से विवाह करना प्रकृति के साथ मनुष्य के जुड़ने का प्रतीक है। अजीबोगरीब शादी का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो दुनिया भर के कई लोग हैरान और भ्रमित थे। हालांकि यह समुदाय का विश्वास है। आश्चर्यजनक सोशल मीडिया पर लोग इस अनोखी शादी के बारे में चकित थे। यह धरती माता के आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है और मनुष्य और प्रकृति के जुड़ने का प्रतीक है। जब वीडियो वायरल हुआ तो एक यूजर ने मजाक में कमेंट किया, क्या घड़ियाल शादी करने के लिए कानूनी उम्र की है? क्योंकि शादी की कानूनी उम्र तो 18 साल है। उम्मीद है कि ये कानूनी है। एक महापौर की घड़ियाल से शादी करने की अजीबोगरीब परंपरा पर इस तरह की कई प्रतिक्रियाएं आई। क्या आपने दुनिया के किसी हिस्से में ऐसी कोई अनोखी परंपरा देखी है? तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।